esteemed guest on the dais, off the dais, media persons, principals, teachers, kids, students, and all who are present in the meeting hall and who are watching us online. First of all, I would like to welcome you all, and the best part is that we all are enjoying, including me, this festival. Thank you. Picture, movie, cinema, ये सब चीज मोटा मोटा एक है कि नहीं है? है. और हम सभी लोग 99% लोग फिल्म देखना, सिनेमा देखना, मूवी देखना पसंद करते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्यों करते हैं? अगर 99% लोग किसी चीज को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं? देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग रीजन. देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग रीजन. एंड रीजन इज दैट कि सिनेमा, मूवी, पिक्चर गिव जस, कीप अस हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. सिनेमा, मूवी हमें क्या करती है? हैप्पीनेस देती है और हमें हेल्दी रखती है. ये बात सही है कि नहीं सही है? आप लोगों में से कितने लोग बीमार होना चाहते हो और नाखुश रहना चाहते हो? हाथ उठाओ. देखो वो हाथ उठा रहे हैं. कोई आदमी नाखुश नहीं रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है और हेल्दी रहना चाहता है. अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो हमारी जिंदगी अच्छी नहीं मानी जाती. ये बात सही है कि नहीं सही है? सही है. तो हमें क्या करना चाहिए? मूवी, फिल्म, सिनेमा देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए. और ये जो सिनेमा है, फिल्म है, मूवी है, इसको हम लोगों ने इंटरटेनमेंट का केवल साधन माना है. किसका? इंटरटेनमेंट. तो इंटरटेनमेंट से एक चीज तो मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है. क्या मिलता है? हैप्पी लाइफ मिलती है, ये चीज तो मिलता है. लेकिन ये जो मूवी, सिनेमा या पिक्चर है, ये हेल्थ हीलर है. क्या है? सबको नाचना, बजाना, गाना आना चाहिए. आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर आदमी को, हर आदमी के अंदर नाचने, बजाने, गाने या कोई कल्चरल एक्टिविटी अवश्य होना चाहिए. रीजन बीइंग कि ये जो है वो हेल्थ हीलर है, हमें स्वस्थ रखता है, हमारे अंदर की निगेटिव ऊर्जा को निकालता है. एक बात सबसे एक अहम मुद्दा है, वो बच्चों के लिए लागू है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये कहां, किस पेड़ पे मिलता है? किसी पेड़ पे क्रिएटिविटी मिलती है या कहीं फल की तरह लगता है? नहीं लगता. क्रिएटिविटी, अगर आप अच्छे फिल्म देखोगे तो अच्छा फिल्म क्रिएटिविटी होगी तभी बनेगा. और जब आप वो फिल्म देखोगे तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक आएगा. इसलिए अच्छे फिल्म देखना चाहिए. देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? मैं कुछ अपनी बातें आपको बताऊं, कितने लोग जानना चाहते हो? सब जानना चाहते हैं. गुड. मैंने पहली फिल्म कक्षा 10 में देखी थी. किस क्लास में? और उस फिल्म का नाम क्या था, कोई बताएगा? उसमें मैं एक इशारा कर रहा हूं, आप बताइए. उसमें एक बहुत बड़ा जानवर था और वो अपने मालिक का बहुत साथ देता था मुसीबत में. कोई नाम? गुड. एक पकड़ लिए, हाथी मेरे
साथी और हाथी मेरे साथी की फिल्म मैंने बहुत पहले क्लास 10th में 92 में देखी थी और उस एलिफेंट ने मुसीबतों में कैसे अपने मालिक का साथ दिया, उतना अच्छा साथ इंसान भी नहीं दे सकता। तो जो ये फिल्म होती है हमें बहुत सारी टीचिंग देती है, लेसंस देता है। आप सभी लोग डॉक्टर जगदीश गांधी, डॉक्टर भारती गांधी और डॉक्टर गीता गांधी किंगडन और यहां के लोगों के लिए ताली बजाइए। देखिए लोग ताली अपने लिए बजवाता है, हमने इनके लिए बजवा लिया। क्यों लोग अपनी तारीफ करता, क्यों? इसलिए मैंने ताली बजवाई। इसके पीछे कारण यह है कि आज जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। कल्चरल एक्टिविटी, ये जो फिल्म है कल्चरल एक्टिविटी हमारा बहुत बड़ा एसेट है, हमारी बहुत बड़ी पहचान है और इसको प्रमोट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आज ये एक वीक का आयोजन किया जा रहा है, आज उसका ये सेरेमनी है। तो ये अच्छा काम है कि नहीं है? और इसके माध्यम से बच्चों में, स्टूडेंट में क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे ताली बजवाई कि क्रिएटिविटी फिल्म में, अगर फिल्म में क्रिएटिविटी नहीं है तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और उसको कोई नहीं देखता। तो फिल्म से सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या मिलता है? मिलता तो हजारों चीज है, लेकिन मैंने तीन चीज पे फोकस किया, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ एंड क्रिएटिविटी। ये तीन चीज मिलती है जो बच्चों को जरूर चाहिए। तो बच्चों आप लोग सप्ताह में या महीने में एक अच्छी पिक्चर देखो। क्या देखो? तो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कक्षा 10 में पहली फिल्म देखी, हाथी मेरे साथी देखी, लेकिन गार्जियन लोग बच्चों को फिल्म नहीं देखने देते हैं। देखने देते हैं? नहीं, नहीं, कहते हैं बच्चा बर्बाद हो जाएगा। मेरे फादर भी मुझे बहुत टाइट करते थे। क्या करते थे? कि फिल्म मत देखना। लेकिन मैं चोरी चोरी देखने जाता था, चोरी से चला जाता था। लेकिन फिल्म को मैंने लर्निंग का माध्यम बनाया। किसका? मैं कक्षा 6 में मैं प्राइमरी का पढ़ा हूं। किसका पढ़ा हूं? प्राइमरी स्कूल का, वो टाट पट्टी वाला हूं। आपकी तरह टाई और इतने बढ़िया फैसिलिटी मैंने नहीं पढ़ा है। मैं गांव का रहने वाला हूं और IAS अफसर हूं, ठीक है? तो मैं क्या बताने जा रहा हूं सुनिए। कक्षा 6 में मेरी इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हुई ABCD की। अब जब मैं कक्षा 9 में गांव से हटके GIC बस्ती में एडमिशन लेके आया तो मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर, कक्षा 6 में ABCD, तो मेरी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ही ना बने, कुछ मुझे आए ही ना, मैं बहुत परेशान। तो जानते हैं मैंने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए फिल्म को सहारा बनाया। किसको सहारा बनाया? कैसे? मैं जब पिक्चर देख के आता था तो एक डायरी लिया और पिक्चर को पूरी स्क्रिप्ट लिखता था। क्या करता था? जो पिक्चर में देखा हुआ करके उसको लिखता था, क्या देखा क्या नहीं, और धीरे धीरे मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई। तो फिल्म में लर्निंग के बहुत सारे पोटेंशियल हैं और उसको सीखना चाहिए। आज इस फंक्शन को देख करके मुझे एक दिन एक चीज और बहुत बढ़िया याद आ गया, मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा। मैं घिसी पिटी बातें नहीं, थियोरेटिकल बातें नहीं, मैं अपनी लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर कर रहा हूं। क्या? वो बातें शेयर कर रहा हूं जो अगर आप ज्यादा पिक्चर देखते हो तो आपका, आपके पिताजी भी दिखाते हैं। दिखाते हैं नहीं? ये देखने को मिलता है ना? नहीं मिलता है? मिलता है, और वो सही दिखाते हैं। अब तुम बारह घंटा पिक्चर देखोगे तो पढ़ोगे कम, तो इसलिए पिक्चर देखना जरूरी है, बट उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए। मैं कलेक्टर बाबा था तो मेरे पास एक दिन
एक आदमी को लेके आता और कहता साहब ये सूर्या सूर्यवंशी हैं, इन्होंने फिल्म बनाई है, उसका नाम है मां साहब, मास्टर साहब को मां साहब फिल्म बनाई है, और प्राइमरी स्कूल में क्या करते हैं टीचर पढ़ाते नहीं है, ठेकेदारी करते हैं, दो स्कूलों के बीच कैसे प्राइवेट और सरकारी के बीच कैसे कंपटीशन होता है, जब वो सरकारी स्कूल का अच्छा करने लगा प्राइवेट ने जहाज दिलवा दिया, बहुत ये बहुत ही अच्छी मूवी थी। वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा साहब मुझे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए एज ए कलेक्टर कि इस मां साहब मूवी का बांदा में शूटिंग हुआ है और इसके सारे हीरो बांदा के हैं। और वो जो बंदा था सूर्या सूर्यवंशी बांदा का था, उसके घर में बहुत सारे टीचर थे, उसी पे बनाया। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे बड़ा अपील किया कि ये फिल्म का सोशल एंटरप्रेन्योर, फिल्म का एक एंटरप्रेन्योर बांदा में मुझे मिल गया। और जब मैंने उसकी पूरी बात देखी तो मैंने उसके सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, उसको फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए, फिल्म फेस्टिवल सब्सिडी के लिए यहां चिट्ठी लिखी, परसों किया और उसको सारे सब्सिडी दिलाए, और आज के डेट में मेरा बहुत अच्छा मित्र है। ये बात मैं क्यों यहां कह रहा हूं, आज आप लोग जितने लोग यहां आए हो, आप लोगों ने जिसको भी यहां अवार्ड मिला है, मैं आपका वही साथ दूंगा, आपकी मैं वही मदद करूंगा जो मदद मैंने सूर्या सूर्यवंशी की है। वहां मैंने एज ए कलेक्टर मदद किया था, आज मैं आपके आपकी मदद एज ए चीफ गेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं आज आपका सहयोगी बन गया, आपका पार्टनर बन गया। आपको कभी अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत, किसी भी तरह की कोई जरूरत, प्लीज अप्रोच मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट टू प्रमोट योर वर्क, योर गुड डीड्स। मैं एक और बात लास्ट में करूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। फिल्म बनाने में एक दिक्कत आ रही है, क्या अभी आदित्य बैठे थे मेरे बगल में, तो कहीं हम आपसे बहुत पहले मिले थे, आपकी फिल्म, आपकी पुस्तक भी देखी, और हम लोग फिल्म बनाने पर उस पर सोच रहे हैं। मेरी किताब का नाम है डायनेमिक डीएम, क्या नाम है, इस देश में तीन पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम, सीएम और डीएम। तो मैंने डीएम की एक किताब लिखी, उसका नाम है डायनेमिक डीएम, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप लोग पढ़िए इसको, ये हिंदी में है, अंग्रेजी में है, गुजराती में है, मोस्ट पॉपुलर किताब है, इसका नाम है डायनेमिक डीएम, और वो ये किताब है, देखो ये पढ़िए, 160 रुपए की हिंदी की किताब है, 200 रुपए की अंग्रेजी की किताब है, आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो आप लोग अपने दिमाग में आग लगाना चाहते हैं, बड़े गड़बड़ लोग हैं आप, कैसा आग लगेगा, लगेगा कैसा आग लगेगा, आगे बढ़ने का, ऊंचाई पर जाने का, ऐसी आग लगेगी कि आपको वो सोने नहीं देगा जब तक कि आपको आपका उद्देश्य नहीं मिल जाएगा। इट विल इंस्पायर यू, इट विल मोटिवेट यू, इट विल एनर्जाइज यू टू गेट योर एम। तो जो सबसे बड़ी फिल्म या डॉक्यूमेंटेशन में जो मेरे समझ में आया वो ये है कि फिल्म बनाने में पैसा बहुत लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, और पैसा है नहीं तो फिल्म नहीं बन पाती, यही बात मुझसे आदित्य कह रहे थे। अभी बगल में रस्तोगी जी हैं तो कहने लगे मैं आपको जानता हूं, हमने कहा कैसे जानते हैं, कहीं वो जल वाले जो मोदी जी हैं उनकी वाइफ सीमा आपकी चर्चा करती हैं, तो सीमा मोदी में डायरेक्टर कल्चर था, वो काम करती, मैंने उन्हें बहुत प्रमोट किया, मेरी ये आदत है, मैं जब लोगों की मदद करता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्या आता है, ये मेरा पर है कि आप जो लोग विजय यहां विनर है या विनर नहीं है, आपने यहां सबमिशन किया, स्क्रीनिंग में है, अगर आपके रास्ते में कोई भी दिक्कत आती है और मैं मदद कर सकता हूं तो प्लीज अप्रोच मी, आई विल हेल्प यू आउट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। तो हमें क्या करना चाहिए, एक विचार ये करना चाहिए कि कम कास्ट वाली, कम कीमत वाली कैसे फिल्म बनाई जाए, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है और इस पर रिसर्च होना चाहिए। इसका मेरे पास उदाहरण है, बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर हैं, कुछ लोग तो 15-20 बहुत
लेकिन कुछ लोग हैं, दो चार लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि वो अकेले बोलते हैं और दिन में 5 बार बोलते हैं, उनको खूब सुनता है। इसका मतलब उनका कास्ट मिनिमाइज हो गया, वो सिंगल मैन आर्मी है। वो डॉक्टर जगदीश गांधी हैं, डॉक्टर भारती गांधी, ये लोग सिंगल मैन आर्मी ही तो थे, आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिए। डॉक्टर जगदीश गांधी क्या थे? खाली हाथ आए थे बुलंदशहर से, क्यों मैडम? बुलंदशहर से ही तो आए थे डॉक्टर जगदीश गांधी, खाली हाथ आए थे, कहां से? बुलंदशहर से। और आज उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो मनी इज नॉट ए इशू इन फिल्म मेकिंग, हमें इसे समझने और सोचने की जरूरत है। द लास्ट पॉइंट, कल मैंने, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा पेपर में, कि अप्रैल का हाईएस्ट एवर टेम्परेचर लखनऊ का कल कितना डिग्री था? 41 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। और दूसरा एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, भाई दुबई को बड़ा लेटेस्ट, बहुत लेटेस्ट सिटी है, बड़ा हाई सिटी है, बड़ा टेक सिटी है, मार मार्केटिंग किए थे अभी कुछ दिन पहले, उनका कलई खुल गया। खुल गया कि नहीं खुल गया? दुबई वाज नॉट एबल टू सस्टेन द डैमेजेज डन बाई द क्लाइमेटिक चेंज। भर गया पानी सबके घरों में, बहने लगे। ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो रहा है। कल क्या तारीख है? कल क्या तारीख है? कल 22 तारीख है, 22nd। 22 तारीख को कोई डे है? कोई बताएगा कौन डे है? हाँ, ये लड़की ठीक बोल रही है, ये कह रही है अर्थ डे है। तो अर्थ डे का मतलब क्या होता है? हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ अर्थ से चलता है। अर्थ हमें पीने का पानी देता है, अर्थ हमें हवा देता है ऑक्सीजन जीने के लिए, और अर्थ हमें खाना देता है। लेकिन अर्थ इस समय बहुत परेशान है, अर्थ बीमार है, अर्थ के साथ हमने बहुत अत्याचार किया है, कि नहीं किया है, और इसी वजह से दुबई डूब रहा है। हाईटेक काम नहीं कर रहा, कोई टेक्नोलॉजी, कोई नासा का मिशन, कोई चीज काम नहीं कर रहा। कल टेम्परेचर 41 डिग्री बढ़ रहा है, क्यों? हमारी मदर अर्थ ट्रबल में है, बीमार है। तो मदर अर्थ को बचाना है, बचाना है कि नहीं बचाना है? तो मदर अर्थ को बचाने के लिए 3 काम करिए। क्या? हर आदमी को कम से कम 5 पौधा लगाना चाहिए गमले में, और सुबह उठ के उसमें पानी डालना चाहिए, और उसके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, उससे उसको ताजा हवा मिलेगा, पढ़ाई अच्छी होगी, नंबर ज्यादा आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आज के बाद से आप अपने घरों में गमले में 5 पौधे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? 5 पौधे लगाओ, सुबह उठ के उसमें मग्गा से 2-2 थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो, और पैर छू किसके? पेड़ के। आशीर्वाद लो, एक बात। दूसरा बात, आपके घर में जो बरसाती पानी होता है उसको बाहर नहीं जाने देना। एक छोटा सा कोई गड्ढा घर में जहां पानी निकलता हो उसमें छोटा सा गड्ढा खोद के वाटर कंजर्वेशन करो, उसमें पैसा नहीं लगता। तो बरसाती पानी को बचाना चाहिए, बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और अगर आप बरसाती पानी बचाते नहीं हैं तो आपको पानी पीने का कोई हक है? जब आप पानी बचाएंगे नहीं तो पिएंगे कैसे? तो घर का पानी घर में रेन हार्वेस्टिंग वाटर का देहाती तरीका बना के करना चाहिए। और तीसरी बात, एंड ये मेरा लास्ट बात है, ये जो प्लास्टिक है ना, ये जल जंगल जमीन तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप लोगों को पता कि नहीं पता? प्लास्टिक हम लोगों के खून में आ गया है, पता कि नहीं पता है? अच्छा, एक चीज बताइए, कितने लोगों को यह पता है कि प्लास्टिक हमारे खून में आ गया? हाथ उठाइए, कितने लोगों को पता है? ये कम लोगों को पता है, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है, खाली सब्जेक्ट पढ़ते हैं। खून में प्लास्टिक आ गया है और ये हमें बीमार कर रहा है, कैंसर कर रहा है, हार्ट अटैक कर रहा है, बाल पक रहे हैं। तो प्लास्टिक को घर से निकाल देना है। कहां से निकाल देना है? तो क्या करना है? पेड़ लगाना है, पानी बचाना है, और प्लास्टिक को भगा देना है। क्या करना है? ये मैं बात सही कर रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? और इस पर फिल्म बनानी है। क्या बनानी है? तो फिल्म बनाने के लिए क्या करोगे?
आप जाइए खूब स्टडी करिए क्या क्लाइमेट चेंज, मदर अर्थ, जल जंगल जमीन स्टडी करिए, उसके बाद इस पर आप 5-6 पेज की स्क्रिप्ट लिखिए। अगर आपने स्टडी किया और स्क्रिप्ट लिखा तो आपकी आधी फिल्म बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है जितने स्टूडेंट हैं कि आज ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसका दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्या आप सभी लोग जलवायु परिवर्तन पे क्या करिए, फिल्म बनाइए। फिल्म बनाने का मतलब इस पर स्टडी करिए और इसकी स्क्रिप्ट लिखिए और 4-5 लोग लाइक माइंडेड स्टूडेंट मिल करके आगे सोचिए हाउ टू डू दैट, टेक ए चैलेंज। कुछ नहीं होगा, आप लोग मोबाइल से फिल्म बना सकते हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, इसमें कोई ढोल डमरू बजाने की जरूरत नहीं है, केवल डायलॉग और कुछ एक्शन और एक आदमी वो कर दे क्या वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हम सभी लोगों को क्लाइमेटिक चेंज पे फिल्म बनाना चाहिए और स्टूडेंट इसके सबसे अच्छे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो सकते हैं और होना चाहिए। तो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, मजा नहीं आ रहा, आप लोग मेरी बात मान नहीं रहे हैं, बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने मुझसे 3 वादा किया है, सुन लो, झूठ मत बोलना। 5 पौधा लगाओगे, कितने पौधा लगाओगे? गमले में, और सुबह उठोगे पानी डालोगे और पौधे के पैर छुओगे, आशीर्वाद लोगे, पढ़ाई में नंबर बढ़ जाएगा। दावे के साथ कहता हूं मैंने ऐसे ही किया है और आज के डेट में मेरा घर बिल्कुल बगीचा है। ठीक, दूसरा, घर का पानी घर में रेन हार्वेस्टिंग वाटर पे स्टडी करो और घर का पानी घर में रेनी वाटर बचाओ। और तीसरा, प्लास्टिक को जिंदगी से दूर कर देना है। कर देना है कि नहीं कर देना है? किसी ने मुझे 2 लाइन लिख के दिया था कि जब से, ये सुनो ध्यान से, जब से प्लास्टिक के धंधे आबाद हो गए, जब से प्लास्टिक के धंधे आबाद हो गए, जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद हो गए। क्या हो गए? अच्छा बताइए, हो गए या नहीं हो गए? ये आप लोग सोच रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं। कितने लोग ये सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि प्लास्टिक ने बर्बाद कर दिया? हाथ उठाओ, कितने लोग सोच रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो देखो हाथ उठा रही है लड़की, इसको पकड़ के लाओ जेल में डाल दूंगा, ये छोटी बच्ची को पकड़ के लाओ जेल में डालूंगा इसको। तो और मैं अगेन सीएमएस की मैनेजर डॉक्टर गीता गांधी, इनके पूरे परिवार और पूरा स्टाफ और सभी लोगों को बधाई दूंगा कि आप इस इवेंट के माध्यम से क्रिएटिविटी को इतना बढ़ावा दे रही हैं कि मुझे एक जगह पे ऐसा देखने को नहीं मिला, एक बात, और दूसरा वो भी बड़े लोगों का नहीं बच्चों का। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। थैंक यू, शुक्रिया।